जी, I missed you so much. Finally, हम तीन. I miss you more. No, I miss you more. No, I miss you more. No, I miss you more. Okay. You miss me more. लेकिन अब ये बताइए कि कहाँ कहाँ घूमने गई तुम ट्रिप में? क्या क्या किया? कितना मजा आया? हम लोनावला गए थे पापा. हमने पैराग्लाइडिंग की, डैम देखा, ट्रैकिंग की और फार्म हाउस भी गए. अरे तो बहुत ज्यादा मस्ती की है मेरी बेबी. आपने शॉपिंग अभी तक कर ली? हाँ, तुमने कहा था सब ले लिया. बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मम्मी की साड़ी आपने ली भी या नहीं? मैंने लिस्ट में तो लिखी थी. हाँ, वो ऑफ कोर्स ली थी मैंने. आपने कहा और मैं ना करूं, मैंने ली थी और धीरज अंकल के हाथ मैंने वो भिजवा भी दी. ओके. हाँ पापा, अभी मैं जाती हूँ और उसके बाद हम लोग मम्मी से फोन पे बात करेंगे. ओके. अनुज, एज पेरेंट्स हम दोनों को छोटी को बहुत लाड प्यार देना होगा, वरना वो ऐसे ही अनुपमा को बार बार याद करती रहेगी. जहां मैं और वहां पर का संभाल लेंगे. लो सुन लो, जिस डिम्पी को अनुपमा ने अपने घर में रखा, उसी डिम्पी ने अनुपमा को अपनी एकेडमी में से निकाल दिया. वाह भाई वाह, वाह वाह वाह. तो और ये मम्मी का लाडला, चुपचाप आना, सब कुछ सुनता रहा. मम्मी के प्यार पे आज गर्लफ्रेंड का प्यार भारी पड़ गया. वही मैं सोचूं, तूने कल रात को अपना मुंह क्यों नहीं खोला? हाँ अब याद आया, तुझे सुबह फ्रेश मिर्च मसाला लगाना था ना. लगा दिया आग. जो हुआ है हमने वही बताया विंटर, लेकिन गलत तरीके से बताया है. अरे जब हरकत ही गलत है तो किसी भी तरीके से बताओ, बात गलत ही होगी ना. हाँ, जब दिमाग में कचरा भरा होगा ना तो सही बात भी गलत ही लगेगी. कचरा मेरे दिमाग में नहीं, तेरी गर्लफ्रेंड के दिमाग में, और इनफैक्ट वो तो पूरी कचरा है. ब्लडी है. स्वीटी, ज़बान संभाल के. अनु ने डांस एकेडमी छोड़ दी. बाकी ने कुछ गलत नहीं कहा है. मुझे तो वो लड़की पहले दिन से पसंद नहीं है. देखा, दिखा दी ना उसने अपनी औकात. एग्जैक्टली. मम्मी ने उसके लिए अपनी और हमारी सबकी जान जोखिम में डाली, और उसने क्या किया समझ? उसने मम्मी को ही हर्ट कर दिया. अरे जो अपने माँ बाप की नहीं हुई वो मम्मी की क्या होगी? डिम्पी से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था. अरे डिम्पी पे कीचड़ उछालना बंद कीजिए, डिम्पी बुरी नहीं है. सुना था कि प्रेम अंधा होता है, पर तेरा प्रेम तो वो गूंगा, बहरा और मंदबुद्धि भी है. बेचारी अनु, क्या बीत रही होगी उस पे. थैंक यू. अरे मेरा बस चलता ना तो मैं पूरा घर सजा लेती, लेकिन बस इतना ही कर पाई. इतना? हाँ, ये इतना भी बहुत ज्यादा है. बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा से भी बहुत 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 ज्यादा है. ये मेरी जगह है, ये मेरी जगह है. मैं यहाँ पे डांस करूंगी. 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 माँ, क्यों माँ? वैसे ये बहुत सुंदर है माँ. मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारी माँ इतनी टैलेंटेड है. अरे मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि शादी के बाद सिर्फ चार ही कलाएं काम आती है ना, बुनाई, सिलाई, कढ़ाई और रसोई.
और कुछ बनाने का मौका कहाँ मिलता है। लेकिन कल रात मैंने सोचा कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ बनाऊंगी। विश्वास नहीं था कि कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, लेकिन देख हो गया। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है माँ। हर इंसान के अंदर एक कलाकार होता है जो सोया हुआ रहता है, पर औरत के अंदर का कलाकार जो है ना, वो संडे वाला भावेश होता है जो सोता ही रहता है। क्या अनु, अच्छी बात समझाई, पर मेरी बैंड बजा कर। गुस्सा हो गया। गोलू, चल बस अबे। देखने माँ, मुझे डांस करना तो बचपन से आता था, और हम दोनों को खाना बनाना, अचार बनाना, पापड़ बनाना, ये हमेशा से आता था। पर अब जाके समझ में आया कि हम इसका करियर बना सकते हैं। हाँ? अब जाके समझ में आया, बोलो। अरे कोई बात न थी, वो कहते हैं ना, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। हाँ? अब हम तीनों बिजनेसमैन हो गए। हाँ? बिजनेस पर्सन हो गए। हाँ? हाँ? चौकस। ठोकर लगती है तो इंसान गिरता है, पर कभी कभी ठोकर लगने से इंसान दो कदम आगे भी बढ़ जाता है। Just because वो तेरी girlfriend है, doesn't mean वो सही है। टिम्पी ने कुछ गलत नहीं किया है। डांस एकेडमी को छोड़ के जाने का डिसीजन मम्मी का खुद का था। और मम्मी को मजबूर किसने किया समर? तेरी डिम्पी ने। विंटर, तूने हमेशा मम्मी का साइड लिया है, और आज एक लड़की के चक्कर में तू माँ को भूल गया। स्वीटी, जस्ट शराब ओके? क्यों, क्या हुआ? सच्ची बात कड़वी लग रही है। हाँ, भगवान करे कि सबको ऐसी मम्मी दे, पर ऐसी किस्मत ना किसी भी मम्मी को ना दे। पापा जैसे हस्बैंड, हम तीनों जैसे बच्चे, कौन है लाइफ सक्स। बस करो। तूने अपनी मां को कैसे जाने दिया? हाँ, अरे समर, जब पूरी दुनिया उसके अगेंस्ट में रहती थी तो तू ही था जो उसके साथ खड़ा रहता था, और आज तू उसी के खिलाफ खड़ा हो गया। तूने उसे डांस एकेडमी से जाने कैसे दिया? पापा, डिम्पी ने कहा कि डांस एकेडमी का नाम मम्मी के नाम से है तो स्टूडेंट्स का मारे। उसने कहा कि डांस एकेडमी का नाम चेंज कर देना चाहिए, तो ये मान गया। अब सोचिए मम्मी को कितना बुरा लग रहा होगा। ऐसे में मम्मी वहां पे कैसे रहती? तू जानता भी है तूने क्या किया है? वो डांस एकेडमी तेरी माँ की पहचान है, और तुम लोग उसी का नाम बदलने के चक्कर में वहां से अपनी माँ का नाम हटाने वाले हो। अरे डिम्पी ने जो किया सो किया, तूने ऐसा कैसे सोच लिया समर? एक बार भी तुझे अपनी माँ का ख्याल नहीं आया? अरे इतनी अक्कल होती तो उस लड़की के चक्कर में फंसता ही नहीं। समर बेटा, तुझसे ऐसी गलती कैसे हुई? अरे तू तो अनुपमा का गुरूर है, पर तूने उसी का मान नहीं रखा। क्या हुआ डिम्पी, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? कल डांस एकेडमी में। What? अनुपमा ने डांस एकेडमी छोड़ दी? कल वहाँ बहुत कुछ हुआ है आंटी, और तब से समर मुझसे बात नहीं कर रहा। पूरी रात मैंने उसे कॉल किया, एक भी फोन नहीं उठाया उसने मेरा। लेकिन मुझे तो लगा था कि अनुपमा अपनी डांस एकेडमी पे फोकस करना चाहती है। पर बाकी डिंपल, कल इतना सब कुछ हो गया तो मुझे अभी बता रही हो? ये पहले बताना चाहिए था ना। एनीवेज, ये शांस है ही ऐसे, सबके सब सेल्फिश हैं। पर अनुपमा को क्या जरूरत है वहां से वॉकआउट करने की? आई जस्ट होप कि इन सब की वजह से मेरे और समर के बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो।
डिम्पी डिम्पी इट्स ओके, तुमने कुछ गलत नहीं किया, कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन वो शांस तुम्हें गिल्टी फील कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तुम बस अपने स्टैंड पे डटी रहना और समर को भी पकड़ के रखना। शास तुम्हारे साथ वही करेंगे जो उन्होंने अनुज के साथ किया, अनुपमा को उसकी लाइफ से दूर कर दिया। वो समर को भी तुम्हारी लाइफ से दूर करना चाहेंगे, ऐसा मत होने देना। डोंट लेट देम विन, ओके? मैंने सब पर एड्रेस लिख दिया है, अब हम ये मंदिर के बाहर चिपकाएंगे ना तो बहुत ज्यादा लोगों को अनुपमा डांस एकेडमी के बारे में पता चलेगा। और मैंने भी सब अपने जान पहचान वालों को ना फोन पे भेज दिया, उनको बोला कि आगे भी फॉरवर्ड कर दे। हाँ? अरे अनु, केतकी मासी का फोन आ रहा है, आ जा जल्दी ले। आले। आप और हाँ, आले। जय श्री कृष्ण केतकी मासी, केम छो? हाँ, माँ के घर पे ही है ना, मेरे माँ के घर पे है डांस क्लास। हाँ, तो अपनी पोती को पक्का भेज देना। और केतकी मासी, वो आपके आसपास भी और कोई बच्चे होंगे तो उनको भी भेज दीजिएगा। एक ट्रायल क्लास तो कर ही सकते हैं ना, उसके बाद पसंद आए तो ज्वाइन करेंगे, नहीं तो नहीं। हाँ भले, थैंक यू। हाँ थैंक यू। अंधेरा और उजाला दोनों जिंदगी का हिस्सा है। अभी हमारे ऊपर है कि हम अंधेरे को देखते हैं या फिर उजाले को चुनते हैं। अनुपमा ने भले कुछ नहीं कहा, लेकिन तेरी चुप्पी ने उसे बहुत चोट पहुंचाई होगी। मैंने जोरू का गुलाम देखे हैं, पर गर्लफ्रेंड का गुलाम तो पहली बार देखा। इतना नालायक है कि तू सपूत से कपूत बन गया। तू अभी का अभी अनुपमा के पास जा, उससे माफी मांग और वो डांस एकेडमी उसे वापस कर। कोई फायदा नहीं है पापा, मम्मी अब डांस एकेडमी वापस नहीं आएंगी। अरे तेरी माँ डांस एकेडमी छोड़ के चली गई और तू चुपचाप वहाँ देखता रहा। अरे यार गधेड़ा, तू उसके पीछे क्यों नहीं गया, उसे रोका क्यों नहीं? कैसे चाहता बा, मम्मी के जाने के बाद ये और वो डिम्पी दोनों डिम्पी के डिवोर्स की फाइनल डेट आने की खुशी मना रहे थे। डिम्पी की खुशी के आगे देखो अपनी मम्मी का दुख नहीं दिखा? बाकी तो शुभ, बस करो, क्यों बाल की खाल खींच रहे हो? अरे हमारे सामने दोनों खुशी से नाच रहे थे, and I'm sure हमारे जाने के बाद तो शादी की भी प्लानिंग हो गई होगी ना, वेन्यू डेट सब डिस्कस कर लिया होगा तुम लोगों ने। और क्या, अब तो एकेडमी भी दोनों के नाम हो गई है, फ्यूचर तो सेट हो गया ना दोनों का। कान खोल कर सुन ले, वो लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती है, मैं शुरू से उसके खिलाफ हूँ। और अभी उसने जो हरकत की है ना, उसके बाद तो मैं मर जाऊंगी, पर वो लड़की को हमारे घर की बहू नहीं बनाऊंगी। अभी ये सब डिस्कस करने का टाइम नहीं है, लेकिन अगर आपने अपना फैसला सुना दिया है तो मेरा भी फैसला सुन लीजिए। मेरी शादी डिम्पी से ही होगी। इन लोगों ने डिम्पी को विलन बना के रख दिया है, लेकिन मुझे पता है कि उसके इंटेंशंस गलत नहीं है। उसने मम्मी को मजबूर नहीं किया, बल्कि मम्मी खुद सब छोड़ के गई है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को डिम्पी को ब्लेम करना है तो कीजिए, आई डोंट केयर। समर, सब समझ में आया ना? ये पोस्टर हो गया ना सब? जो भी आएगा जाए ना, सबको भी ये देना सबको। मेरी डांस एकेडमी खुल रही है, आप भी आइएगा और बच्चों को भी भेजिएगा। अली भाई, तुम्हारा डब्बा अने ये जरा यहाँ चिपका दो ना दुकान पे, लोग देखेंगे। बेन, हो गया ना ये? मेरी डांस एकेडमी खुल रही है तो आप अपने घर में बच्चों को भी भेजिएगा, आप भी लीजिए ना। अनु, ये हमारा तीसरा नया बिजनेस। चल, अरे डब्बे, ये मेरी डांस एकेडमी खुल रही है, आप अपने घर के सारे बच्चों को भेजिएगा, आप भी आइएगा। हमारी डांस एकेडमी खुल रही है तो आप भी आइएगा, बच्चों को भी भेजिएगा। जय श्री कृष्ण। मैं इसको यहाँ पर लगा दूँ, थैंक यू। समर, शादी एक बहुत बड़ा फैसला है। मैंने डिम्पी के बारे में आज तक कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ दिनों से ना मुझे उसका बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा है समर, स्पेशली जो उसने कल कहा। भाभी, सब आपके और भाई के शादी के भी अगेंस्ट थे ना,
लेकिन फिर भी आप दोनों ने भाग के शादी की, तब आपने परिवार की पसंद नापसंद के बारे में सोचा था? सबर, किंजल को डिम्पी से कंपेयर मत कर। हाँ तो भाभी को भी कहिए कि डिम्पी के लिए जजमेंटल ना हो। डिम्पी डिम्पी डिम्पी, पता नहीं वो लड़की ने ऐसा कौन सा जादू टोना कर दिया है कि तुझे वही दिखती है। ओ गॉड बाप प्लीज, आपको तो इस घर की हर बहू से तकलीफ है, मम्मी से थी, काव्या से है, और पता नहीं आगे डिम्पी से भी होगी। समर, बिहेव योरसेल्फ। अरे सब लोग मुझे क्यों बोल रहे हैं? हाँ पापा, भाई ने मर्जी से शादी की, इसने अपने पसंद से शादी की, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? और ये स्वीटी, शादी के बाद भी अपने मायके में पड़ी हुई, कोई इसे कुछ क्यों नहीं बोल रहा? सब कोई मुझे क्यों बोल रहे हैं? अरे इसे कहिए ना अपने पति के पास जाए, कहिए। एक सेकेंड, बाकी और मेरी शादी क्यों डिस्कस हो रही है? अरे यही तो इस घर का स्टाइल है, जब भी इस घर में कोई लड़ाई होती है तब सबको लपेटे में ले लिया जाता है, और झगड़ा सिर्फ करंट इशू पे नहीं रहता, 10-20 साल पहले जो बात हुई होती है, क्या हुई होती है, क्यों हुई होती है, वो सारी बातें निकलती हैं। अरे आप लोगों ने डिम्पी को विलेन बना के रख दिया है। अरे जब तक आप लोग उसे मौका नहीं दोगे तो वो अपने आप को प्रूव कैसे करेगी? अब क्या वो प्रूव करने के लिए बाकी रह गया है? तेरी माँ को उस लड़की ने अपनी अकेडमी में से भगा दिया और अब हमें भी घर से निकाल देगी। अरे फिर वही बात। समर समर, सब तुम्हारा भला चाहते हैं, कोई ये नहीं कह रहा है तुमसे कि तुम डिम्पी से शादी मत करो, करो पर जल्दबाजी भी मत करो, उसे और देखो और परखो। क्या हो रहा है? हमारे घर में पहले ऐसा झगड़ा कभी नहीं हुआ। बापूजी आप सेम घर में रहते हैं कहीं और? इस घर में लड़ाई के अलावा और होता ही क्या है? अरे जहाँ तेरी जैसी लड़ाकू बेटी होगी ना, वहाँ यही होगा। हाँ, तभी तो डिम्पी जैसी लड़ाकू बहू लाना चाहता है ना इस घर में। अरे जिस लड़की के आने से तू तमीज भूल गया है, वो लड़की भी कोई सही थोड़ी होगी। ओ भाई प्लीज, तमीज का लेक्चर आप ना दे तो ज्यादा अच्छा है। पहले अपने गिरबार में झांक के देख लीजिए आपने कितने कारनामे किए हैं। तो तू क्या करेगा अभी, मुझे मेरी सारी गलतियां गिनवाएगा? तोशु ने जो किया है वो गिनाने से तू उसकी हरकत जस्टिफाई नहीं कर सकता है। एक्सेप्ट कर ले कि डिंपल ने जो किया वो बहुत गलत किया। डिम्पी, तेरी ही कमी थी, रिश्तों में तो आग लगा दी, अब घर को भी जला दे, और माचिस और पेट्रोल नहीं लाई हो तो मैं दे दूं। इनफ। चीयर्स। खाने पीने में हमेशा ना जीत जाती है। अरे जा, जो तू अपनी बात करना। ए नीता, नीता सुने, ये हमारी डांस एकेडमी खुल रही है। हाँ तू आना ट्रायल क्लास के लिए, और बच्चों को भी भेजना। हाँ बेटा जरूर आना। हाँ हाँ पक्का। अच्छा सुने, मैं थोड़ी देर के लिए तेरी स्कूटी लेकर जाऊँ। हाँ क्यों नहीं, ये ले, लेके जा। स्कूटी क्यों? क्योंकि मैं और माँ घूमने जा रहे हैं। अरे घूमने जाएंगे तो फिर ये कब बांटेंगे? अरे माँ घूमेंगे और साथ साथ में ये बांटेंगे भी नहीं, काम भी करेंगे। ये आपके लिए। अरे थैंक यू थैंक यू, मैं संभाल के लेके आऊंगी, चिंता मत कर। चल माँ। हाँ हाँ आजा, मेरी गाड़ी में बैठ जा। बैठ गई? हाँ संभाल के चल चल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।